हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप सभी कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आईसीटी से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आईसीटी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है ये टॉपिक, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एचपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एचएसएससी टीजीटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट है, कुल 20 क्वेश्चन हैं, इनको सोल्व करेंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षण के लिए इंटरनेट का लाभ है, वह अपने ज्ञान को अद्यतन यानी कि आधुनिक कर सकता है और उसे और अधिक बढ़ा सकता है। सेकंड ऑप्शन है, वह ग्रामीण लोगों को उपदेश दे सकता है। थर्ड ऑप्शन है, वह छात्रों की उपस्थिति को चिन्हित कर सकता है। फोर ऑप्शन है, वह अपने ज्ञान का मूल्यांकन कर सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, वह अपने ज्ञान को अद्यतन कर सकता है और उसे अधिक बढ़ा सकता है। तो आईसीटी का जो है लाभ है ये। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रणाली में आईसीटी के क्या उद्देश्य हैं। शिक्षा के सभी स्तरों तक पहुँच का विस्तार करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, आजीवन सीखने में वृद्धि, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। आईसीटी के द्वारा हम सभी उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आईसीटी के मुख्य तकनीकी तत्वों में से एक है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों के बीच परस्पर संवाद या परस्पर संचार को बढ़ाना, इस तकनीक को क्या कहते हैं। ईमेलिंग, ब्लॉगिंग, दूर संचार, संचार अनुप्रयोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दूर संचार। ठीक है, नेक्स्ट, आईसीटी समर्थित शिक्षण अधिगम रणनीतियों में क्या महत्वपूर्ण है। एनिमेशन तकनीक, आकलन योजना, स्पष्ट उद्देश्य, स्पष्ट निर्देश। राइट आंसर ऑप्शन फोर रहेगा, स्पष्ट निर्देश होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समर्थन और शिक्षण विद्यालय प्रबंधन के रूप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की भूमिका में निम्न में से क्या शामिल है। क्या शामिल है नहीं, क्या शामिल नहीं है, नहीं है यहाँ पर। आईसीटी के माध्यम से पारंपरिक दृष्टिकोण, शिक्षार्थी केंद्रीय पाठ्यचर्या दृष्टिकोण। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षण और अधिगम के अंतराल को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग आवश्यक, शिक्षण अधिगम के अनुभव को बढ़ाना। तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, आईसीटी के माध्यम से पारंपरिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी साधनों का लाभ नहीं है। प्रत्यक्ष कक्षा अधिगम, लागत कुशल प्रौद्योगिकी पर निर्भरता, श्रव्य दृश्य साधनों के साथ शिक्षण बेहतर होता है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, प्रौद्योगिकी पर निर्भरता ये एक हानि है, लाभ नहीं है। नेक्स्ट है, आईसीटी एक सतत और व्यापक शब्द है। सूचना प्रौद्योगिकियां मुख्य रूप से दो प्रकार की संचार प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित होती हैं, उनके नाम हैं, ऑप्शन है आपके उपग्रह आधारित संचार और स्थलीय आधारित संचार। सेकंड है, शिक्षण सामग्री का विकास। थर्ड है, छात्रों में तर्क और सोचने की क्षमता का विकास। फोर है, नैदानिक परीक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उपग्रह आधारित संचार और स्थलीय आधारित संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अनुसंधान प्रक्रिया में आईसीटी के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। फर्स्ट है, उपयुक्त सूचना स्रोतों की पहचान करना, प्राकृतिक आंकड़ों को एक ही प्रारूप में संग्रहित करना, जानकारी का गंभीर रूप से विश्लेषण करना, और है निष्कर्षों का संश्लेषण करना, संप्रेषण करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट पूछा गया है, जहां आईसीटी कम उपयोगी हो सकता है और जब संचार की बात आती है तो इसकी अपनी निम्न कमियां होती हैं। मल्टीसेंसरी शिक्षण को बढ़ाता है, दिव्यांग बच्चों और व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, बच्चे और माता पिता के बीच संचार अंतराल बढ़ाता है, कई पुस्तकों को डिजिटल रूप से एक्सेस कर सकते हैं। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ये इसकी कमी है, बच्चे और माता पिता के बीच संचार अंतराल को ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट
डिलमेंस के अनुसार आईसीटी की मध्यस्थता वाले शिक्षण अधिगम वातावरण के कितने आयाम हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 6 आयाम डिलमेंस ने आईसीटी के दिए हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से एक को छोड़कर अन्य सभी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की पृष्ठभूमि है, चयन करना है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कभी कभी हर जगह उपलब्ध नहीं होती है, ऑप्शन फर्स्ट है। सेकंड है, डेटा सुरक्षा और हैकिंग के लिए प्रवण है। थर्ड है, यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बहुत मददगार नहीं है क्योंकि तकनीक बहुत विकसित नहीं है। ऑप्शन फोर है, छात्र पोर्नोग्राफी या फिर ऑनलाइन बाल शोषण के शिकार हो सकते हैं। तो ये राइट आंसर यहाँ पर थर्ड रहेगा। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बहुत मददगार नहीं है क्योंकि तकनीकी बहुत विकसित नहीं है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी ये सब तीनों सही हैं, जो आईसीटी के प्रयोग से हम ये सब हो सकता है, लेकिन जो तकनीकी है वो काफ़ी विकसित हो सकती है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको मददगार भी साबित हो सकती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आईसीटी का साधन लाभ नहीं है? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो प्रौद्योगिकी पर निर्भरता, आईसीटी का उद्देश्य बताना है। स्मार्ट स्कूलों की स्थापना शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए या फिर उपरोक्त दोनों? राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में आईसीटी यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी में डैश शामिल नहीं है। टेस्ला ऑटोमोबाइल, ये दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। टेस्ला ऑटोमोटिव जो है एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, बाकी टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, रेडियो ये सब आईसीटी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, आईसीटी समर्थित शिक्षण अधिगम रणनीतियों में क्या महत्वपूर्ण है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन फोर राइट हो जाएगा, स्पष्ट निर्देश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक आईसीटी सक्षम शिक्षण सहायक सामग्री है? ब्लैक बोर्ड, सफ़ेद बोर्ड, वीडियो क्लिपिंग, पाठ्यपुस्तकें? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, वीडियो क्लिपिंग। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से किस अधिगम में प्रायः आईसीटी मोड का उपयोग नहीं किया जाता? मिश्रित अधिगम में, आईसीटी मध्यस्थता कक्षा शिक्षण अधिगम में, पाठ्यपुस्तक अधिगम में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पाठ्य पुस्तक अधिगम में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट, आईसीटी डैश और डैश कौशल को बढ़ावा देती है। ऑप्शन है आपके, उच्च क्रम चिंतन और तर्क कौशल को बढ़ावा देती है। सेकंड है, लेखन और बोलने का कौशल को बढ़ावा देती है। वाद विवाद और असाधारण कौशल को बढ़ावा देती है। खाना पकाने और बागवानी कौशल को बढ़ावा देती है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, उच्च क्रम चिंतन और तर्क कौशल को ये बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल होती है, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा। थर्ड है, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। तो थर्ड राइट हो जाएगा यहाँ पर, अध्यापक की भूमिका समन्वयक यानी कि कोऑर्डिनेटर के रूप में रहेगी। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन आईसीटी से रिलेटेड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आईसीटी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर करके जाना और इससे रिलेटेड, आईसीटी से रिलेटेड जो मैटर है वो पढ़ के प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।